ये सेक्टर 4 के अंदर एक बच्चा जिसकी 23 तारीख को हैंगिंग की वजह से सुसाइड उसने किया और उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके पेरेंट्स ने आफ्टर फुलफिलिंग द नॉर्मल प्रोसीजर्स उसका दाह संस्कार कर दिया था। उसके बाद जब उन्होंने घर के अंदर उसके कमरे में तलाशी ली तो कुछ चीजें ऐसी सामने आई थी जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद वो ब्लू व्हेल गेम का विक्टिम है और उसने उसी की कड़ी में आत्महत्या की है। उन्होंने ये बात पुलिस के नोटिस में तुरंत लाए, जिसके ऊपर हमारी कार्रवाई इस संबंध में चालू की हमने, और कुछ ऐसी इनपुट भी आई कि कुछ बच्चे और हैं जो इस गेम के शायद डिफरेंट स्टेजेस पर इस गेम को खेल रहे हैं और इसके विक्टिम बन सकते हैं। ऐसे में ये बच्चों की जब हमने तलाश तुरंत शुरू की तो कुछ बच्चे चंडीगढ़ के अंदर निकले और एक या दो बच्चे पंचकूला के अंदर और लोकेट हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में इमीडिएटली हमने उन लोगों से बात की है, जो कंसर्न स्कूल है उनको भी इंटीमेशन इस बारे में दी गई है। हमारा टारगेट, क्योंकि ये बात उच्च अधिकारियों के नोटिस में लाई गई, हमारा टारगेट बहुत स्पष्ट है कि इन बच्चों की जान बचानी है, जो सबसे पहली बात है। क्योंकि इसके अंदर जो हमारे रडार पे आई है कि इस तरह की गेम न केवल ब्लू व्हेल है, लेकिन दो तीन गेम्स और आ चुकी हैं जो बच्चे इसी तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि शायद ब्लू व्हेल का लिंक इसके ऊपर से हटाया गया है। तो ये विक्टिम जो है उसी के फादर की तरफ से इनपुट और आई थी। हमने बच्चों के पेरेंट्स को सेंसिटाइज किया है और उनको कुछ बातें बताई हैं। हम इस संबंध में शाम तक एक एडवाइजरी भी जारी करने जा रहे हैं जिससे इन छोटे प्यारे बच्चों की जाने बच सके। सर, जो बच्चा है जिसकी डेथ हुई है उसके साथ सर्कल में एक लड़की और है जो उसके पीछे पीछे करीब खत्म होने वाली स्टेज के पास ही थी, क्या उसका मोबाइल भी रिकवर कर लिया गया? हमने विदाउट नेमिंग द चिल्ड्रन, बिकॉज दिस इज अ क्रूशियल एज जहां पर बच्चा होता है, हमने इन सभी बच्चों को ऑलमोस्ट वी हैव कॉन्टेक्टेड देम, उनके पेरेंट्स को भी ब्रीफ कर दिया है और उनके पेरेंट्स से उनकी सहमति के साथ उनके मोबाइल और एक केस में एक आईपैड भी हमने कस्टडी में ले लिया है। इसके अंदर परेशानी सिर्फ एक होती है जो अभी तक हमारे रडार पे आई है, वी हैव गॉट इन टच विद एजेंसी इन दिल्ली जो सर्टेन है, उनसे हमारी बात हुई है। तो इसमें जब बच्चा लिंक को एक्सेस समय पर प्रोबेबली एक ट्रोजन इस उसके मोबाइल में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। इस ट्रोजन से क्या होता है कि अगर जरूरी नहीं है कि ये डिलीट करना जो डाटा है इस संबंध में, वो इधर से बंदा ही खुद करेगा, वो बैक एंड से जो ये गेम खिला रहा है वो बैक एंड से उस डाटा को डिलीट कर सकता है। तो इस केस में जो मरने वाला बच्चा है उसने तो अपना डाटा खुद डिलीट कर दिया था और उसने अपनी मदर को ये बात शेयर भी कर ली थी कि मैं इसका डाटा डिलीट कर रहा हूं, कारण उसने एग्जाम्स का दे दिया और वो डाटा डिलीट है। लेकिन हम कोशिश में है कि क्या वो डाटा हमारे द्वारा उसको रिकवर किया जा सकता है। वी हैव गॉट इन टच विद जो हमारी लैब है डाइटेक गुड़गांव के अंदर, वो इस चीज के ऊपर लगेंगे और अगर वो रिकवर हो जाता है तो शायद हम सोर्स तक जा पाए। मेरी जो सर्टेन के ऑफिसर से बात हुई थी उन्होंने ये कंफर्म किया है कि अभी तक इंडिया में गेम खिलाने वाला कोई एडमिनिस्ट्रेटर उनके द्वारा लोकेट नहीं हुआ है अभी तक। सर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स? हमारे हिसाब से जी तकरीबन चंडीगढ़ के तकरीबन 7-8 बच्चे हैं जिसके अंदर प्रिंसिपल और उनके एक काउंसलर ऑलरेडी इस काम पे लगे हुए हैं। लेकिन ये केवल एक स्कूल की बात है, क्योंकि इसमें होता क्या है जी, ये गेम का लिंक एक बार आपके पास आता है फिर आप उसको इंट्रोड्यूस करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप ओपनली जाकर नेट के ऊपर ये गेम खेल सके। तो वो लिंक जो है वो फिर सर्कल के अंदर से एक ने अपने दूसरे फ्रेंड्स को दिया, दूसरे फ्रेंड से वो आगे चलता चला गया। तो इस तरीके से है, इसके रूल्स जो है वो एक नॉर्मल गेम से थोड़ा हटके हैं। ठीक है, चलो दूसरी तरफ।